बारह हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए ललित निबंध अशोक के फूल। अब आगे के पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। लेखक क्या कहते हैं कि यह जो अशोक का फूल है इसका हमारी भारतीय साहित्य में और हमारे जीवन में दोनों में ही इसका प्रवेश, इसका आगमन और इसका निगमन दोनों ही बहुत ही विचित्र तरीके से हुआ। भारतीय साहित्य में हम जब देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि कालिदास के पहले अशोक के फूल का साहित्य में वर्णन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कालिदास के पहले भारतवर्ष में कोई अशोक के फूल के नाम को न जानता हो, लेकिन कालिदास ने अपने काव्य में अशोक के फूल का बहुत अच्छा वर्णन किया है। जैसे कोई नववधू घर में प्रवेश करती है और जो पवित्रता, जो सुकुमारता, जो गरिमा नववधू की होती है, वैसी ही सुकुमारता, पवित्रता और वही गरिमा हमें कालिदास के साहित्य में अशोक के फूल की मिलती है। लेखक कहते हैं कि फिर जब मुसलमानी सल्तनत आया तब यह जो अशोक का फूल है यह साहित्य के मनोहर सिंहासन से नीचे उतार दिया गया। ऐसा नहीं है कि साहित्य में अशोक के फूल का वर्णन नहीं है, लेकिन जो प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान कालिदास के साहित्य में अशोक के फूल की है वह इस मुसलमानी सल्तनत के बाद हटा दी गई और उसी तरह से अशोक के फूल का नाम लिया जाने लगा जिस प्रकार से उस समय बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम लिया जाता था। कालिदास ने अशोक के फूल का बहुत ही कोमल वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि कालिदास के साहित्य में इस तरह से अशोक के फूल का वर्णन है जैसे सुंदरियां अपने नुपुर के चरणों से जब कोमल आघात करती हैं तब वह अशोक का फूल खिलता है और अपने कोमल कानों में जब वह उसके आभूषण को पहनती हैं तो वह कर्ण आभूषण उनके कपोलों को छूता है और इस तरह से वह अशोक का फूल उनके सौंदर्य को 100 गुना बढ़ा देता है। लेखक कहते हैं कि यह जो अशोक का फूल है वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा कर देता है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं उनके मन में भी सीता की याद दिला देता है, उनके मन में भी सीता का भ्रम पैदा कर देता है। लेखक क्या कहते हैं कि जो मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे से ही फूट उठता है, मनोजन्मा मन से उत्पन्न होने वाले कामदेव के इशारे पर वह अशोक का फूल खिल जाता है। लेखक क्या कहते हैं कि यह जो अशोक का फूल है वह एक कुशल अभिनेता की तरह है। जैसे कुशल अभिनेता रंगमंच पर आता है और अपने अभिनय के द्वारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है, वैसे ही यह अशोक का फूल है। अशोक का फूल भी एक अभिनेता की तरह लोगों को प्रभावित कर देता है। लेखक क्या कहते हैं, इस अशोक के फूल के महत्व के कारण ही कामदेव ने इस अशोक के फूल को अपने बाड़ों में स्थान दिया, लेकिन कामदेव के बाड़ों में जो अन्य फूल हैं वह आज भी याद किए जाते हैं। जैसे अरविंद को, कमल को भी याद किया जाता है, आम को भी याद किया जाता है, नीलोत्पल को भी याद किया जाता है, नवमल्लिका को भी पूछा जाता है, लेकिन कहीं भी इसमें अशोक के फूल का वह स्थान नहीं है। यदि भुलाया गया तो केवल अशोक के फूल को। इस बात को देख करके मेरा मन बार बार भारतीय रस साधना के पीछे के 1000 सालों के ऊपर जाना चाहता है। लेखक कहते हैं, क्या जो यह मनमोहर पुष्प है, यह जो अशोक का फूल है, क्या यह भुलाने की चीज़ है? क्या कविता के अंदर वह भाव नहीं था? क्या सहृदयता समाप्त हो गई थी जो इस अशोक के फूल को निकाल करके उसे भुला दिया गया और उसे अब याद भी नहीं किया जाता है, अब उसे अपमानित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, लेखक ने अपने साहित्य और अपने इतिहास के ज्ञान के द्वारा अशोक के फूल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। संस्कृतनिष्ठ भाषा है, विवरणात्मक शैली है। लेखक कहते हैं, लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है,
ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम मौन रूप से बदल दिया। क्या कहते हैं कि ईस्वी सन के आसपास अशोक का जो फूल है, जो भारतीय धर्म में, साहित्य में महिमा को प्राप्त था, गौरव को प्राप्त था, और यक्षों और गंधर्वों ने जब आए और वह जो है बिल्कुल धर्म और साधना के रूप को बदल दिए। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। लेखक क्या कहते हैं कि जो गंधर्व और कंदर्प, कंदर्प यानी कामदेव, यह जो दोनों शब्द हैं यह एक ही के पर्यायवाची हैं, केवल अलग अलग उच्चारण उनके किए जाते हैं। और कंदर्प देवता ने, कामदेव ने अपने बाण में यदि अशोक के फूल को स्थान दिया है तो यह आर्येतर सभ्यता का ही देन है। ये जो आर्येतर सभ्यता है, इनके उपास्य हैं वरुण हैं, कुबेर हैं और यक्षपति वज्रपाणी भी जिन्हें कहा जाता है। और यह जो कंदर्प देवता का कामदेव नाम हुआ वो वास्तव में गंधर्व का ही पर्याय वाची है, अर्थात गंधर्व और कामदेव एक दूसरे के ही समानार्थी हैं। कामदेव शिव से भिड़ने के लिए चले गए। यह सभी लोग जानते हैं कि कामदेव और शिव में युद्ध हुआ और कामदेव को शिव ने पराजित कर दिया, और यह कामदेव फिर भी हार मानने वाले नहीं थे। कामदेव केवल विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से ही डरते थे। कामदेव हार मानने पर भी निराश नहीं होते थे, वह हमेशा नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। और यह जो अशोक का फूल है यह ऐसा लगता है जैसे उनका नया और अंतिम अस्त्र था जिसके द्वारा उन्होंने लोगों को पराजित करने का काम दिया। और इस अस्त्र से उन्होंने बौद्ध धर्म को भी प्रभावित किया, स्वयं मार्ग को भी प्रभावित किया और शाक्त साधना को भी पराजित किया कामदेव ने अपने इन अशोक के फूल से। इसीलिए बौद्ध धर्म जो है वज्रयान हो गया, और जो स्वयं मार्ग था वह कौल साधना हो गया, और जो शाक्त साधना थी वह कापालिक तांत्रिक साधना के रूप में बदल गई। यहाँ भी संस्कृत निष्ठ भाषा है और लेखक ने साहित्य का अपने अच्छे ज्ञान का परिचय दिया है। तो इस तरह से यहाँ तक आपने पढ़ा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।